अरे अरे, ये क्या जामुन क्यों खा रही हो? काला बच्चा चाहिए क्या? काला जामुन खाओगी तो बच्चा भी तो काला ही पैदा होगा ना। ऐसा आपसे भी कभी किसी ने कहा है? आपको भी जामुन खाने को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो चलिए आज का वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आप जामुन खा सकती हैं, बेबी काला पैदा तो नहीं होगा, और अगर खा सकती हैं तो इसे कब और कितना खाना है, खाते टाइम क्या सावधानी बरतनी है, और इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, और इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई नुकसान है तो क्या है, इससे कैसे बचें, और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेगनेंसी के पल चैनल में, जहां आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। प्रेगनेंसी का ये पूरा 9 महीना आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके और आपके बेबी के लिए ज़रूरी है, इससे फ़ायदा होगा या कौन सी चीज़ नुकसान करेगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम जामुन के बारे में बात करने वाले हैं। जामुन गर्मियों में आने वाला फल है जो थोड़ा सा खट्टा मीठा और कसैला सा होता है, इसलिए ये ज़्यादातर लोगों को पसंद भी बहुत आता है। क्या आपको पता है कि ये छोटू सा दिखने वाला फल ढेरों विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होता है? प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत तरह के सलाह देने वाले लोग आपके आसपास ही होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी बात में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि जामुन ना खाओ, इससे बेबी काला पैदा होगा, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बच्चे की स्किन पर काले काले धब्बे होंगे, तो आप उसे अनसुना करें, क्योंकि जामुन ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरा होता है, जो कि आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन को आप दिन में किसी भी टाइम खा सकती हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसे खाली पेट ना खाएं। खाना खाने के बाद का समय इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। ये आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले कब्ज़ की परेशानी में भी इससे आराम मिलता है। खाली पेट जामुन खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये स्वाद में खट्टा होता है, और इसे खाली पेट खाने से पेट दर्द, एसिडिटी या फिर पेट में जलन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी को और लोगों की तुलना में हर चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसी तरह जामुन की मात्रा पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आप डेली 8 से 10 जामुन खा सकती हैं। जामुन में कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरी होती है। ये विटामिन और खनिज हड्डियों को मजबूत बनाकर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में एनीमिया का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। चूँकि जामुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए ये इम्यूनिटी बूस्ट करके RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी दूर होती है। इसमें उच्च मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो कि प्रीमैच्योर डिलीवरी के खतरे को कम करके भ्रूण के विकास में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान हाई BP का खतरा होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। जामुन में मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पूरे 9 महीने हाई BP की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। जामुन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो कि आपके शिशु की आँखों की डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है। ये डायबिटीज़ को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, इसलिए जामुन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो कि वक्त के पहले संकुचन और समय से पहले प्रसव होने से बचाता है। जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम प्रेगनेंसी में तनाव और थकावट को दूर रखते हैं, जिससे आप दिन भर एनर्जी से भरी रहती हैं। जामुन हीमोग्लोबिन के लेवल में सुधार करता है, और इसमें मौजूद आयरन रक्त को शुद्ध करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये आपकी स्किन और आँख दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। इसमें कीमो प्रोटेक्टिव और रेडियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, जो कैंसर का कारण बनने वाले कणों के विकास को रोकता है।
ऐसे तो आपने देखा ही कि जामुन आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इससे नुकसान क्या हो सकता है? ये तो सही है, पर कई केसेस में ये नुकसान कर सकता है। आइए जानते हैं। कोई भी चीज़ सही मात्रा में खानी चाहिए, खासकर इस टाइम जब आपको अपने साथ साथ अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। इसलिए इसको बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं। ज़्यादा जामुन खाने से ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उन्हें जामुन का सेवन कम करना चाहिए। क्वांटिटी आपको बताया है कि आप 8 से 10 जामुन खाएं। अगर ज़्यादा जामुन खाएंगे तो गले में खराश हो जाएगा। अगर आपको पहले से ही लो बीपी या लो डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप जामुन ना खाएं। आइए अब जानते हैं कि जामुन खाते टाइम आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा पहुंचाए न कि नुकसान। जामुन को खाने से पहले पानी में अच्छे से साफ़ करें और तभी खाएं, क्योंकि जामुन में लगी मिट्टी या कोई गंदगी आपके पेट में जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। खाली पेट जामुन बिल्कुल नहीं खाएं। जामुन खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए, कम से कम 1 घंटे का गैप रखें, क्योंकि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जामुन ना खाएं जो ज़्यादा गला हो या सड़ा दिख रहा हो, डैमेज्ड, या ऐसा जामुन जिसका कलर और शेप भी ठीक ना हो, उसे भी ना खाएं। ऑफ सीज़न जामुन का सेवन ना करें। 2-3 दिन से ज़्यादा जामुन को स्टोर ना करें, ये जल्द ही ख़राब हो जाता है। आज के इस वीडियो में आपने जामुन से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी बातें जानी। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक भी कर दें, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी ढेरों यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।